वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड, आज मैं कोई ब्लॉग वीडियो नहीं, आज मैं आप लोग के साथ मेरा ड्रेसिंग टेबल का टूर करवाना चाहती हूँ। आप लोग बहुत पहले मेरे से रिक्वेस्ट किया था कि आप अपना ड्रेसिंग टेबल का टूर दीजिए। तो मेरे इस चैनल में एक और ड्रेसिंग टेबल का वीडियो है, ड्रेसिंग टेबल टूर का, जो कि मेरा गाँव का है, मतलब कोलकाता में। तो इधर का आधा सामान इस बार जब मैं कोलकाता गई थी तो उधर रख के आई थी। ज़्यादातर मेकअप, कॉस्मेटिक का चीज़ बहुत सारा था जो कि मैं उधर रख के आ गई, जो कि बहुत लेट एक्सपायर होने वाला है, इसीलिए उधर रख के आई, क्योंकि इधर से लेके जाने के बाद फिर से उधर से लेके आना पॉसिबल नहीं होता। तो आप ही मेरा जो करेंट रूटीन है उसके हिसाब से मैं जो जो चीज़ यूज़ करती हूँ, हम तीनों, मैं, मेरे बेटी और मेरे हस्बैंड, तो वो सारे चीज़ इधर है, अवेलेबल है। ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत कम चीज़ है, पर मैं इसको कैसे मेंटेन करके रखती हूँ बस मैं वही चीज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आई होप कि आप सबको बहुत पसंद आएगी, तो आप लोग लास्ट तक एंजॉय कीजिए। और चलिए शुरू करते हैं, मैं दिखाती हूँ कि मेरा ड्रेसिंग टेबल के ये फर्स्ट पार्ट में मैं क्या क्या रखती हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या बोल देती हूँ कि मेरी ड्रेसिंग टेबल में बहुत सारा स्टोरेज है। एक तो ये मिरर के पीछे है, वो भी स्टोरेज है। फिर इधर जो है ये पूरा जो मतलब ऊपर से नीचे तक जितना सामान है उसको रखने के लिए है। ये नीचे मैंने एक मनी प्लांट रखी है और यहाँ पर ये एक बम्बू प्लांट रखे है, यहाँ पर एक छोटा सा बुद्धा है और इसके नीचे दो ड्रायर है, बहुत बड़ा साइज का ड्रायर है, मतलब एक साथ बहुत सारा कपड़ा आ जाएगा, एक साथ दस साड़ी तो आ जाएगा इसके अंदर। ऊपर में इतना बड़ा बड़ा कवर्ड है, मतलब ड्रायर है इसका, क्योंकि मैं जब इसको कस्टमाइज किया था तो मैं उन लोगों को बोल भी दिया था, मेरे घर का थीम के हिसाब से है। तो मेरे घर का थीम जो है वो ऑफ वाइट और ब्राउन कलर में है। तो मैं ज़्यादा जोर जोर से बातें कर रही हूँ तो थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है, क्योंकि बहुत दिन बाद फिर से मैं आप लोगों के सामने आई हूँ ना इसीलिए। और अभी मई की टाइम है मुंबई में, तो सोचिए कैसा गर्मी है। एसी भी है पर फैन भी है, पर मैं चला नहीं सकती हूँ क्योंकि फैन चलाऊंगी तो आवाज होगा और एसी चलाऊंगी तो उसमें भी थोड़ा थोड़ा आवाज आते ही है। फिर एसी की ठंडी हवा में ना मैं पिघल जाऊंगी और आप लोगों के साथ अच्छे से बातें नहीं कर पाऊंगी। लोग बोलते हैं ना ज्यादा मेहनत करो तो उसका फल अच्छा रहता है, तो मैं सोचती हूँ गर्मी में ही बनाती हूँ, देखती हूँ इसका फल कैसा रहता है, आप लोगों को कैसा लगता है ये वीडियो। तो चलो ज्यादा बातें हो रही है, तो मेरे घर का ये जो कर्टन है ये भी ब्राउन एंड ऑफ वाइट कलर में ही, कलर कॉम्बिनेशन में ही है, तो ज्यादा बातें नहीं करूंगी। तो चलो आप लोगों को मैं थोड़ा सामने लेके आती हूँ और मैं बोलती हूँ कि मेरे इस साइड के पार्ट में क्या क्या है, चलो आप लोगों को दिखा देती हूँ। आप लोगों को पसंद आएगी कि नहीं मेरा जो ऑर्गेनाइजेशन करने की टाइप्स है। तो सबसे ऊपर जो है मैंने बॉडी लोशन रखी हूँ, हर एक टाइप का बॉडी लोशन है, ये निविया का दो है, उसके बाद ये जो है रुको सब में है, हाँ कोई खाली बॉटल नहीं है, फिर मैं निकाल के देखती हूँ क्योंकि इसका ये ऊपर का ढक्कन ना खराब हो गया। सिर ये सिटाफिल का, ये मून का है और उसके बाजू में ममार्थ का है, उसके बाजू में ममार्थ का एक और है, और निकाल के नहीं दिखा रही हूँ फिर भी दिखा रही हूँ, चलो तो बोलोगे ये नहीं दिखाया। ये है जो कि मून को सूट नहीं होता है, तो पता नहीं सब बोलते हैं ममार्थ बहुत अच्छा है पर मून को सूट नहीं होता है और मेरे को उसका स्मेल नहीं पसंद है। और ये जो है मैं हमेशा मेरा बेडरूम पे मेरा ड्रेसिंग टेबल के ऊपर रहता है, ये मुझे बहुत पसंद है और ये इमली वाला ही मुझे पसंद है। और उसके बाद आप लोग सोचोगे इतना सारा कौन सा क्रीम है, तो इतना सारा ये डर्माड्यू का बेबी क्रीम है जो कि मून फेस पे नहीं बॉडी पे लगाते हैं, बेबी लोशन ही है एक्चुअल में। इसमें क्या होता है कि मून के बॉडी में ना बहुत ज्यादा मॉस्किटो का बाइट का वो निशान हो रह गया है, मतलब ब्लैक ब्लैक कलर का बहुत सारे बच्चे को होता है और उनमें से ही मून एक है जिसके पूरा हाथ पैर सब में ब्लैक ब्लैक सा हो गया है मच्छर के काटने से। पता नहीं किस चीज का आवाज हो रहा था, मैंने सोचा घर पे कोई नहीं है, मून एक्चुअली उसके पापा के साथ नीचे खेलने के लिए गया है। तो ये जो क्रीम है ना ये उसके लिए मैं मून की बॉडी में लगाती हूँ और इसमें क्या बॉडी शाइन भी देते हैं थोड़ा सा और दाग जाते हैं, सब बोलते हैं एकदम प्रॉपर नहीं जाते, पर मैं इसको पसंद करती हूँ इसीलिए मैं एक साथ, एक्चुअल में इधर मेडिकल में मैंने बहुत ढूंढा था पर मिला नहीं था, तो इसीलिए मैंने ऑनलाइन से एक साथ तीन चार मिलता है तो उसी का ऑर्डर दे दिया। और ये बहुत कम क्वांटिटी में रहते हैं, एक पैकेट आपको शायद बॉडी में लगाओगे तो दो हफ्ता भी जाएगा कि नहीं पता नहीं, मेरा तो जाता है दो हफ्ता चले जाते हैं। ऊपर की पार्ट में इतना सारा है और फिर ये नेक्स्ट पार्ट में सारे के सारे मेरा है, इसमें एक दो मून का है,
उसमें से मून बचपन से मतलब क्या, वो 3 महीना से उसको मैं बाहर का क्रीम लगाना शुरू किया था, तब से मून यही लगाते हैं शिवामेट का। पहले वो मिल्क वाला जो बहुत महंगा रहते हैं ना, कितना ग्राम का, तो शायद 800 रुपए का वो वाला लगाती थी। फिर मैंने सोचा कि इतना महंगा तो नहीं चलेगा, फिर उसके लिए मैंने ये वाला लिया। ये शिवामेट का एक्स्ट्रा स्टॉक, पर ये वाला क्रीम मैं बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ और मैं भी रिकमेंडेड करूँगी आप लोगों की बच्चे के लिए, क्योंकि आप लोगों का बच्चे का जो स्किन है ना, फेस का स्किन हमेशा ऐसे ग्लो करेगा, चाहे वो डार्क कॉम्बिनेशन में है हो, चाहे वो फेयर में हो, किसी में भी हो, पर उसकी स्किन में ना एक अलग ही ग्लेज देगा, वो बहुत अच्छा लगता है। तो ये है। और फिर इधर जो है ना एक स्प्रे है, मेकअप सेटर स्प्रे है, ये मैं यूज करती हूँ हमेशा, थोड़ा बहुत लगा लेती हूँ पसीना से ही, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मतलब ये मेकअप सेटर है, मेकअप करने के बाद लगाती हूँ, पर मैं कभी भी लगा लेती हूँ मेरे को जब मन जाते हैं तो। उसके बाद एक है सनस्क्रीन, ये लोटस का सनस्क्रीन मैं यूज करती हूँ, और इन दोनों के नीचे जो मैं हमेशा लगाती हूँ, पहले मैं लोटस का लगाती थी, पर हमेशा मैं अभी ये लैक्मे का ये वाला पिच मिल्क को मैं और मेरे हस्बैंड दोनों यूज करती हूँ। ये वाला मुझे बहुत पसंद है, एकदम फ्रेश लगता है। और ये काया का एक क्रीम है जो मेरे हस्बैंड लगाते हैं। फिर वाव का ये है एक क्रीम। फिर ये है ममर्थ का लिप बम जो कि मैं यूज करती हूँ, मुझे बहुत ज्यादा पसंद आती है ये ममर्थ का ये वाला क्रीम। मैं कितना ज्यादा पसीना पसीना होगी, प्लीज इग्नोर करना, ठीक है। ये मैं बहुत बहुत ज़्यादा, मेरा होंठ इतना ज़्यादा ड्राई है ना, इतना ज़्यादा कि मेरे को हमेशा 24 आवर्स मेरे को लिप बम चाहिए ही होगा, तो मैं हमेशा इसको ही यूज़ करती हूँ, मुझे बहुत पसंद है ये। मेरा होंठ ऐसे भी देखो लिपस्टिक लगाया हुआ नहीं है, पर कैसा ब्लैक ब्लैक है, ऐसा ही है मेरा होंठ, पर इसको लगाने के बाद थोड़ा बहुत भी फिर भी फर्क पड़ा है मुझे। और ये एक है एलोग्रेस करके, ये फेस का ब्लैक हेड्स वगैरह जो रहते हैं ना, काला काला दाग जो रहते हैं ना, वो थोड़ा रिमूव होते हैं, थोड़ा नहीं अच्छे से रिमूव होते हैं। और ये एट्रेक्स का एक है जो कि ये भी मून के लिए, ये मून के बॉडी में पहले बहुत ज़्यादा खुजली खुजली होता था, तो डॉक्टर ने उसको ये देने के लिए बोला था, पर मैंने इसको दिया ही नहीं कभी, मेरे को ही थोड़ा बहुत इधर उधर खुजली हो जाते हैं ना हाथ में, तो मैं लगा लेती हूँ। ये सबके लिए, बच्चा भी यूज़ करते हैं, बड़े भी यूज़ करते हैं, इतना ज़्यादा हार्मफुल नहीं है। और ये एक्चुअल में ये ड्राई स्किन के लिए है, हाँ ठीक है। और ये है मून का एक मिमी का एक पाउडर है जो कि वो लगाते भी नहीं है, पूरा भरा पड़ा है, कभी कभी मैं लगा लेती हूँ। फिर से आ रही है एक निविया का बॉडी मिल्क, ये मैं हमेशा मैं नीचे एक रखती हूँ, ऊपर जो मैं नहाने के बाद जो यूज करती हूँ ज्यादा ज्यादा करके, तब मैं वो यूज करती हूँ। और हमेशा जो मैं ऐसे कभी भी रात को सोने के पहले ऐसे चलते हैं ना, तो हाथ वगैरह बहुत ड्राई हो जाते हैं, और तब मैं ये यूज करती हूँ, तो ये हमेशा इधर रहते हैं, पर आज मैं थोड़ा अच्छा दिखाने के लिए उधर रखती हूँ। एक घड़ी है जो चलता नहीं है, उसका बैटरी डाउन हो गया है, मून फेंक के इसको तोड़ दिया है, पर अच्छा लगती है तो मैं इधर रखती हूँ। और इधर सारे के सारे ना परफ्यूम का है, फिर भी मैं दिखा देती हूँ एक बार, 2-4 में तो है पर एक में तो है ही नहीं, पर ये वाला का स्मेल मुझे बहुत पसंद है, इसीलिए इसके डब्बे को मैं अभी तक रखी हूँ। और मेरे घर में हमेशा जो चीज़ रहता ही है ना, वो है ये कपूर, मैं हमेशा रात को सोने से पहले लगा लेती हूँ, और कोई मेरे घर पे आते हैं ना तब लगाती हूँ, क्योंकि मेरे को इसका स्मेल बहुत अच्छा लगता है, मुझे इसका एरोमा मतलब एक अलग ही दुनिया पे लेके जाते हैं, इसीलिए मैं हमेशा इसको यूज़ करती हूँ घर पे। और ये सिंदूर है जो कि ड्राई वाला सिंदूर है, ये पाउडर वाला जो मैं अभी लगाती हूँ, और इससे लगाती हूँ, इसका एक छोटा सा मेरे पास ये भी है। और ये दो जो है ना पाउडर है, ये लैक्मे का जो डेली का फेस पाउडर रहते हैं ना, ये इधर रहते, कभी इधर उधर जाना पड़ता है, हल्का सा मेकअप करूँ तो सीसी क्रीम लगा लेती हूँ, उसके साथ साथ मैं ये फेस पाउडर भी लगा लेती हूँ। तो चलो इधर का पार्ट इतना तक। ये जो है ये एक बॉडी स्प्रे है, ये मेरे को बहुत पसंद है, मैं तो गर्मी में वीडियो शूट कर रही थी, पार्ट अभी मून के पापा मून को रख के गए हैं, तो मून इधर ही बैठी है, तो इसकी वजह से मेरे को एसी चालू करना पड़ा, नहीं तो वो बेचारी पसीने से भीग जाएगी, क्योंकि उसको गर्मी बिल्कुल भी ये नहीं होता है, तो इसकी वजह से मैंने एसी चालू कर दिया। पता नहीं आपको थोड़ा बहुत आवाज़ आएगी, प्लीज़ इग्नोर करना, ठीक है। और मैं किधर थी, इधर ना, तो मैं वो वाला परफ्यूम रखती हूँ उधर जो कि हम दोनों ही यूज़ करते, और ग्लिसरीन जो कि मैं यूज़ करती थी पहले, पर अभी नहीं करती हूँ, तो देखो पूरा थोड़ा बहुत ही खाली हुआ है। मैं मून के लिए यूज़ करती थी पहले, मैं भी यूज़ करती थी पर अभी नहीं करती हूँ। और ये वाला ऑनलाइन पे मिलेगा, ये वाला परफ्यूम कभी ट्राई करना, बहुत अच्छा रहता है इसका स्मेल, मेरा ऐसा कुछ की है। और इधर रहते हैं ना निविया का, आप लोग सोचोगे कि गर्मी में ये क्रीम कौन यूज़ करते, तो ये क्रीम मैं मून के लिए यूज़ करती हूँ, मून को कोई लिप बम नहीं लगाती हूँ, डॉक्टर ने बोला है, मून का लिप्स भी मेरे जैसा ही ड्राई है, तो डॉक्टर ने बोला है मून को ये ब्लू कलर की जो निविया का क्रीम रहते हैं वो
लिप्स पे लगाने का, अगर खा भी लिया ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं होते है, क्योंकि खा ही तो लेते हैं वो लोग। और उसके बाद ये जो है ना एक मॉर्निंग क्लींजर ऐसा कुछ है, तो ये वाला मैं सिटाडेल का है, ये मैं यूज करती हूँ सुबह के टाइम थोड़ा सा। ऐसे तो पानी से ही वॉश करती हूँ, कभी कभी मैं कर लेती हूँ यूज, इसके लिए इधर ही रखी हूँ बस। और ये रिमूवर है, बस इधर का इतना ही रहते हैं, थोड़ा बहुत इसको ठीक ठाक से रखती हूँ है ना। इसमें मैं कॉलिंग रखती हूँ जो कि मुझे हमेशा लगती है, ये जो ड्रेसिंग टेबल का ये इधर का जो हिस्सा है ना इसको साफ करने में। चलो नीचा कर देती हूँ। हाँ मुन का तबीयत थोड़ा सा डाउन है आज, इसीलिए उसको ना थोड़ा सा सर्दी भी है, उसको पेट में थोड़ा सा दर्द भी है, इसके लिए थोड़ा उसको वीक वीक लग रही है, नहीं तो इतना वीक नहीं रहता, वो तो बहुत ही खुश रहती है मेरे साथ। देखते आप ही, अगर वो स्वस्थ रहती ना तो क्या क्या करती, तो बैठ जाती हूँ इधर। तो इधर का दिखा देती हूँ, यहाँ पर एक बुद्धा है और फिर एक मनी प्लांट है और ये जो है ना ये कॉलिंग है। तो उसके बाद ये ड्रॉइंग दिखाती हूँ। मुन हटो, थोड़ा सा उधर जाके बैठो, बेड पे जाके बैठो, जाओ मैं दिखा देती हूँ। हाँ फिर हम दोनों मिलके खेलेंगे, ठीक है। ये ड्रॉयर है, इसमें ज्यादा कुछ तो नहीं है, फिर भी मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को। ये जो बॉक्स है ना ये मैं मीशो से खरीदी थी, इसमें मेरा मेकअप का सामान है। मैं मेकअप का सामान ना इसके अंदर नहीं रखती हूँ, ज्यादा यूज नहीं होता है इसके लिए, बहुत ज्यादा बिखर के रहते हैं वो अंदर रख देती हूँ। तो इसके लिए इसके अंदर दो बॉक्स है ना, इसमें मेकअप का सामान है और इसमें मेरा मून का ये चुड़िया वगैरह जो रहते हैं ना वो सारी चीजें है। और इसमें मेरा एक पर्स है, दिखाई नहीं दे रहा है क्या लोगों को, ठीक है। इसमें चुड़िया वगैरह रहते हैं और ये जो है मेरा पर्स है और ये एक्रोलिक कलर है और ये मेरा सनग्लास है, ठीक है। इसमें कुछ और है क्या? मम्मा सनग्लास मैं देती हूँ तुम्हारा सनग्लास, दिखाओ कैसी लग रही हो, कैसी लग रही हो कमेंट करके बताना। ठीक है जाओ तुम अंदर जाओ। तो ये था ऊपर का पोजीशन और मैं अभी नीचे का दिखाती हूँ, ठीक है। ये है मेरे ये ड्रेसिंग टेबल में ना कोई स्टूल वगैरह नहीं है, मैं ऐसे खड़ा रह गई, मैं मेकअप कर लेती हूँ, मुझे एक चाहिए ये साइड में रखने के लिए। और ये जो ड्रॉयर है इसमें क्या रहते हैं, ज्यादा कोई सामान नहीं रहता है, हर एक मून का जितना सारा जो जो चीजों का मेडिसिन लगता है ना हर एक मेरे घर में रहते हैं। कभी एक के एक बूंद के लिए भी मुझे मेडिकल में नहीं जाना पड़ता, पेट दर्द सर्दी किसी का भी हो, जुलाब हो और किसी भी बुखार का, हर एक चीज का मैं मेडिसिन, हमारा मेडिसिन, फिर वो थर्मोमीटर वगैरह जो मुझे चाहिए होगा हम, मतलब कभी भी लग सकता है, मुझे नहीं पता कब कब लगेगा, तो वो सारी चीज मैं इधर रखती हूँ। ये जो मेडिसिन का एक डिपार्टमेंट कर दिया, इसको ड्रॉयर में है कुछ, मतलब कुछ एक बॉक्स में है और कुछ इधर है। और यहाँ पर देखो एक बड़ा सा मिरर है, ये मिरर लगता ही है मुझे, ठीक है। ये वाला जो मिरर देखो, मेरा ट्राइपॉड दिख रहा है, ये वाला मिरर लगता ही है मुझे, ये मेकअप करने के लिए भी मैं यूज करती हूँ, कभी कभी उनके पापा भी यूज करते हैं। बस ये था, ठीक है। मैं क्यों अच्छे बैग नहीं पा, बैग नहीं पा ना, अरे क्यों अच्छे अम्मी पुतले पो उठा नोमड़ा ওই পুতুলটা নেয় না ওটা নোংরা হয়ে গিয়েছে ওটা কোনে কবে থেকে পড়ে আছে ওটাকে পড়ে না ভালো করে ওয়াশ করে দেব তারপরে তুমি নেবে ঠিক আছে তুমি ওটা নিয়ে খেলো ওটা নিয়ে খেলো ওটা পরিষ্কার ওটা আমি ধুয়ে দিয়েছি তুমি বসো কিন্তু আমি এটা কমপ্লিট করে নেই তারপর তোমার সাথে বসে বসে খেলবো ঠিক আছে আমি মাম্মা কি This one. ये चाहिए? Yes. No, no, no. क्या? नोटा. मैं देखो ना बाबा, उटा पापा गिफ्ट करे चिलो. ये देखो, ये एक क्या बोलो, पंखा टाइप का है, ये मैं लेके आई हूँ कोलकाता से. ले लो. तो ये ऊपर है एक चीज जो कि उनके पापा मुझे दिया था वैलेंटाइन डे पे बहुत साल पहले, बहुत साल मतलब 6 साल का शादी है ना, तो शायद सेकेंड वैलेंटाइन डे पे ही शायद दिया होगा या थर्ड। और ये जो है एक कप है जो मुझे बहुत पसंद है, तो मैं इसको इधर रख देती हूँ, ठीक है। और यहाँ पर कुछ नेल पेंट है जो कि इससे आधा नेल पेंट मैं घर रख के आई हूँ कोलकाता में, और जितना है इधर ही है। और अभी मैं ये सिंदूर यूज करती हूँ, और ये देखो ये पूरा चांदनी का है, हाँ ऐसे काला काला पड़ गया। मुन नहीं बुआ, उदिके जाओ, उदिके जाओ, मोबाइल टर्न नहीं खेला करो, जाओ ये भी।
मतलूल है। जाओ 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 ऊपर जाओ ऊपर जाओ, ये मुझे बहुत पसंद है, ये लिटन ने मुझे गिफ्ट किया था मेरे इधर आने के बाद, मुंबई में आने के बाद लिटन ने गिफ्ट किया था। और इसके पीछे मेरा हर एक शाखा खोला, जो क्योंकि मैं बंगाली हूँ तो मेरे हाथ में हमेशा ये रहता ही है, तो मैं ज्यादा एक्स्ट्रा करके रखी हूँ, क्योंकि कभी ना ये बर्ड मतलब मेरे से बोलते हैं तो वो हो जाते हैं, निकाल जाते हैं, तो इसकी वजह से मैं रख देती हूँ एक्स्ट्रा कि कभी निकल जाए तो हाथ खाली ना रहे। पहले नहीं पहनती थी, बट अभी मेरे को अच्छा लगता है तो पहनती हूँ, कभी कभी खुला भी रखती हूँ, ऐसा नहीं पर मैं पहनती हूँ ज्यादा, ठीक है। और इधर एक वैक्स है जो मुंह के लिए भी यूज करती हूँ मैं, अभी तो नहीं ज्यादा यूज करती हूँ पर मेरे लिए ज्यादा यूज करती हूँ मेकअप वगैरह रिमूव करने के लिए। इधर तो जाती भी नहीं हूँ, इधर फिर भी थोड़ा बहुत मेकअप करके अगर किधर गए ना तो इधर से फटाफट से कर लेती हूँ, ठीक है। इधर है एक नेल वो क्या बोलते हैं नेल कटर, और इधर एक सेवलॉन का स्प्रे है, और वो नीचे जो है ना वो दो कॉपर का बॉटल है वो हमेशा इधर ही रहते हैं। पहले यूज करती थी, इसमें पानी भर के रख देती थी, सुबह उठ के पीती थी, पर अभी होता ही नहीं, बहुत दिन से फिर से करना पड़ेगा। कोलकाता जाने के बाद से नहीं हुआ है क्योंकि मैं अंदर ही रख के चली गई थी, ये साफ करके हमेशा मेरे बेडरूम पे ही रहते हैं ये दो बॉटल, एक मेरा और एक लिटन का। ये जो ज्यादा साफ है ना वो लिटन का है, और ये जो थोड़ा कम साफ है ये मेरा है। साफ करने के बाद जो सारे बड़ा बड़ा क्लिप है, मेरे को बाल तो इतना ज्यादा नहीं है फिर भी मैं थोड़ा बड़ा बड़ा साइज का क्लिप रखती हूँ, बाल को मैं हमेशा ऐसे ऐसे करके बांध के रख देती हूँ, गर्मी बहुत लगती है इसी वजह से। आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा, मेरा ये ड्रेसिंग टेबल का ऑर्गेनाइजेशन वीडियो बोलो या फिर फ्लोर बोलो कुछ भी बोलो, आप लोगों को पसंद आया होगा। तो अगर आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज एक लाइक कर देना और कमेंट करके बताना कि इसमें मुझे क्या क्या ऐड करना चाहिए और क्या क्या नहीं ऐड करना चाहिए, कौन सा चीज अच्छा नहीं लगते है। सो मैं बहुत खुश होंगी, और आप लोग जरूर कमेंट करना आप लोगों को मेरा ड्रेसिंग टेबल कैसा लगा है और मेरा ये वीडियो कैसा लगा है। तो चलो बाय बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट और एक ऑर्गेनाइजेशन वीडियो या फिर ब्लॉग के साथ, फिर बाद में बताती हूँ कौन सी वीडियो के साथ मिलूंगी, जो वीडियो आएगी उसमें देख लेना, ठीक है।